सनी देओल जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। सर आप ऑडिटर्स की बोलिए। हेलो 1234 रामकृपाल सर, माइक चेक करा। हरियाणा सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले पीयूष गोयल जी और निर्मला जी हम लोगों के मध्य में आप दोनों लोगों से आग्रह करूंगा कि पहले सनी देओल जी के पार्टी में स्वागत करने के लिए दो शब्द बोले। निर्मला जी से फिर आग्रह के पहले बोले। आई एम इंडीड वेरी हैप्पी टू रिसीव फायर ब्रांड पॉपुलर वेरी कमिटेड टू हिज आर्ट young great artists from the Bollywood, Shri Sunny Deol. The moment we got to know that he is coming into the party, I could only relate to the film Border that he had made, post which the impact on the Indian audience of such a theme was really proven, that the feeling of Indian nationalism, patriotism, when so beautifully evoked through film, can really touch the chord of every Indian citizen. And it is that which makes, I assume, that's of course something which Mr. Deol himself would speak about, but it is that which draws somebody like him who serves the people through his art, and who has the commitment to build on themes which are so important for this country, nationalism, to feel for our country, to feel for what happens at the borders, and to make a film which can touch people's hearts, just makes it clear that here's a person who understands the pulse of the people, who understands what drives the core of this country, and to have an artist of that eminence who, over and above the commercial considerations, also thought about themes which are very important for this country. Such a great hero who has a artistic blood running in his family, I'm very pleased to welcome him into this party. Also because we are being led by a prime minister who has been very, very close to the issues related to our borders, issues related to our armed forces, issues related to how to keep this country's fame and glory high, and to touch that chord of nationalism in our people. So looking at the activities of the Prime Minister, who's serving the cause of the people, who keeps India's glory high, I'm sure Sunny Deol has been attracted to the work of the Prime Minister, and today he's taken the call to join BJP. I welcome you. Shri Piyush Goyal ji, shabdon ke madhyam se Sunny Deol ji ka swagat karte hain. आज एक प्रकार से कई वर्षों का पारिवारिक संबंध राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। मुझे अभी तक याद है 2008 की वो घटना जब सनी जी के पिताजी माननीय श्री धर्मेंद्र जी हमारे माननीय सांसद थे और एक क्रूशल पार्लियामेंट में वोट होने जा रहा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अमेरिका में एक ऑपरेशन के बाद रिकुपरेट कर रहे थे, लेकिन पार्टी के आदेश पर अस्पताल से सीधा एरोप्लेन में बैठ के दिल्ली आना, पार्लियामेंट
जाना, उस वोट पे पार्टी के आदेश पे अपना मत देना और फिर वापस अमेरिका जाके अस्पताल में भर्ती होना। इस प्रकार की प्रामाणिक दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से माननीय धर्मेंद्र जी ने देश की सेवा की, देश में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करके अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही आज उनके सुपुत्र माननीय श्री सनी देओल जी ने राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे इंसान सेवा भाव से, संवेदना से जनता के बीच में रह के आगे एक अपनी छाप राजनीतिक जीवन में भी छोड़ेंगे, ये हम सबकी पूरी कॉन्फिडेंस है, हम सबको पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने प्रामाणिकता से पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, एक जिस प्रकार से इनका किरदार रहा अलग अलग फिल्मों में, माननीय निर्मला जी ने ठीक कहा, वो सिर्फ एक एक्टिंग नहीं हो सकती है, जब तक वो दिल से नहीं निकले, वो भावना दिल में ना हो, तब तक वो भावना फिल्म में निकालना असंभव है। और मैं समझता हूं इनकी दिल का देश प्रेम, इनके दिल में जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग फिल्मों के द्वारा देश प्रेम जगाया, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और आज के इस हाइटेंड टेंशन में, अभी अभी हमने श्रीलंका में देखा कैसे आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश पे भी आतंकवादी शख्सियत छाए हुए रहते हैं, उस माहौल में देश के युवा युवतियों को जो प्रेरणा देने वाला काम सनी देओल जी ने फिल्मों के माध्यम से किया, मुझे विश्वास है वैसा ही राजनीतिक जीवन में ये दिल से काम करेंगे, राजनीतिक जीवन में भी ये उसी प्रकार से सेवा भाव और संवेदना से कठोर मेहनत करेंगे। फिल्मों में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत राजनीति में लगती है, पर ये वर्षों के खिलाड़ी हैं, वर्षों से इन्होंने फिल्म जगत की सेवा की। मैं खुद मुंबई से आता हूं और मैं जानता हूं कितना परिश्रम लगता है एक एक किरदार को निभाने में, और मुझे पूरा विश्वास है इस नए जीवन के प्रवेश में भी सनी देओल जी उतनी लगन और मेहनत से देश की और देशवासियों की सेवा करेंगे, हम सब युवाओं को प्रेरणा देंगे और आगे चल के इनका योगदान एक नए रूप में राजनेता के रूप से हम सबको देखने का मौका मिलेगा। आपका स्वागत है सनी जी। मित्रों आप सबको मालूम है कि सनी पाजी बोलने पे कम विश्वास रखते हैं, करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है कि सनी पाजी अपना 2.5 किलो वाला भाषण अभी आप लोगों के सामने करें। हेलो, जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो जो आप कह रहे हैं उसे मुझमें एक हिम्मत दी है कि ज़रूर, जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से हमें आगे लाए हैं हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा, बातें नहीं मैं बताऊँगा ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा।